इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक ब्लू चिप पावर या यूं कहें सबसे रिलायबल कंट्री होने के नाते भारत को समय समय पर अपने पड़ोसियों के निराधार आरोपों को सहन करना पड़ता है, और अधिकतर समय वो सभी आरोप निरर्थक होते हैं और वो कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत घरेलू राजनीति से प्रेरित होते हैं। और इसी तरह की गतिविधियों में इस बार मालदीव से जो कि मैक्सिकन सिंड्रोम की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण है मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो और उनकी पर्सनल बायस वाली राजनीति। और ये बात किसी से भी छुपी हुई है नहीं कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजो, तो उनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है, यानी कि उन्हें प्रो चाइना कहा जाता है। और इसलिए सीधी सी बात है कि उनके पावर में आने के बाद मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन जैसी गतिविधियां देखने को मिली। लेकिन आज के एपिसोड में कुछ आंकड़ों के आधार पर हम आपको ये बताएंगे कि मालदीव के पक्ष में भारत और चीन में से कौन सबसे ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ सेक्टर, क्योंकि जैसा कि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप वेल्थ बनाएंगे। तो अभी स्क्रीन पर आप जो एक ग्राफ देख रहे हैं तो ये WHO के ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर डेटाबेस से, और इसे 7 अप्रैल 2023 को रिट्रीव किया गया है। तो इस डेटा के मुताबिक चीन का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा है वो है $583.43। वहीं इसके कंपैरिजन में जो भारत का हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा है वो है केवल $56.63। यानी कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा वाला डेटा ये दर्शाता है कि कोई भी कंट्री अपने वहाँ हेल्थ सेक्टर में कितना स्पेंड कर रही है। और ये ग्राफ क्लियरली दिखा रहा है कि चीन का जो एवरेज हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो भारत की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ आपको ये बात ही पता होनी चाहिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए केवल रिच लोग ही चीन जाना अफोर्ड कर सकते हैं। और जबकि पैसिफिक प्राइम्स कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट के 2023 वाले एडिशन के मुताबिक जो चीन है वो मेडिकल के मामले में 11th मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है। वहीं दूसरी तरफ जो भारत है उसका हेल्थ एक्सपेंडिचर चीन की तुलना में भले ही कम है, लेकिन बावजूद इसके जो स्मॉल कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उनके लिए भारत का हेल्थ सेक्टर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। और जब बात मालदीव्स की आती है तो वो भारत है जिसने मालदीव्स के लोगों को इस मामले पर सबसे ज़्यादा सर्व किया है। और अगर आप 2019 से लेकर 2021 तक का आंकड़ा लेते हैं तो मेडिकल पर्पसेस के लिए जो दूसरी कंट्री से लोग भारत आए थे तो उसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से हैं, फिर दूसरे नंबर पर मालदीव से हैं, तीसरे पर इराक, चौथे पर अफगानिस्तान और पाँचवें पर ओमान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा इस दावे को जस्टिफाई करता है कि हेल्थ सेक्टर के मामले में मालदीव्स के लोगों के लिए भारत चीन से ज़्यादा अफोर्डेबल है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है एजुकेशन का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क यह है कि मालदीव्स के एजुकेशन स्फीयर में जहाँ चीन अपनी स्ट्रेटजी पर काम करता है जबकि भारत अपनी कमिटमेंट पर काम करता है, जो भारत है वो मालदीव्स के एजुकेशन रिफॉर्म्स में सबसे आगे रहा है। और मालदीव्स में अधिकतर भारतीय टीचर्स और प्रोफेसर्स ने स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन चार महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना ये योगदान देते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चीन है वो एजुकेशन को काफ़ी स्ट्रेटजिकली यूज़ कर रहा है मालदीव्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। और जिस तरह से तिब्बत के कल्चर को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए चीन ने एजुकेशन का काफ़ी इस्तेमाल किया था, और जिसमें तिब्बत के स्कूल्स में चाइनीज़ लैंग्वेज को कंपलसरी भी करवाया गया था, तो उसी तरह की टैक्टिक मालदीव्स के मामले में भी देखी गई है। जब चीन ने सांस्कृतिक प्रवेश और प्रभुत्व का दावा करने के लिए चीन मालदीव्स में चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग को एक टूल की तरह पुश करवा रहा है, जबकि भारत के टीचर्स मालदीव्स के स्टेम फील्ड को विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये पॉइंट्स भी इस बात को क्लियर करते हैं कि एजुकेशन के मामले में भी भारत ही चीन से ज़्यादा मालदीव के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद करते हैं तीसरे सेक्टर की, जो कि है टूरिज्म का सेक्टर, जो कि मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर लेटेस्ट डेटा भी लिया जाए तो 2023 में मालदीव्स के टूरिज्म इकोसिस्टम में भारत का योगदान सबसे बड़ा था, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रशिया था और तीसरे नंबर पर जाके चीन था। तो आप ये कह सकते हैं कि मालदीव्स की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है तो उनके लिए भारत किसी वरदान से कम नहीं है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है मालदीव्स के कल्चर को लेकर। हमेशा की तरह चीन का मालदीव्स को लेकर भी गोल है कि उनके कल्चर को इन्वेट करना, और ये सब चीन ने ऑलरेडी बहुत पहले से शुरू कर दिया है। जैसे कि चाइना मालदीव्स कल्चर एसोसिएशन है तो उसने CMCA चिल्ड्रंस एलसी क्लब करके एक इनिशिएटिव को शुरू किया है, जो कि मालदीव्स के बच्चों में चाइनीज लैंग्वेज और चाइनीज कल्चर की लर्निंग को बढ़ावा देगा। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी, जिसमें मालदीव्स अब धीरे धीरे करके फंस रहा है। हमारे पास एक डेटा है जो कि ये दर्शाता है कि मालदीव का जो 60% से अधिक कर्ज है तो वो चीन के बैंकों के पास है, और इससे इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और जिस वजह से मालदीव का चीन के प्रति जो एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है यानी कि जो वित्तीय देनदारियां हैं वो बढ़ चुकी हैं, और इससे चीन को मालदीव के ऊपर अपना प्रभुत्व सुनिश्चित करने में काफ़ी मदद मिली है, और मालदीव की अर्थव्यवस्था चीन पर और भी ज़्यादा निर्भर होती जा रही है। और फिर जैसे कि एंड में श्रीलंका के साथ हम सब ने देखा है, तो वैसी स्थिति मालदीव्स के साथ भी बनने की पूरी संभावना है अगर वे समय पर चीन के इस डेट ट्रैप से बाहर नहीं आए तो। इतना ही नहीं, मालदीव्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है तो वो भी चीन का ही ज़्यादा है। यहाँ तक कि मालदीव के कुल कर्ज का जो 70% है वो चीन के प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदार है, जिसमें चीन को एनुअली $92 मिलियन का पेमेंट मिलता है,
क्योंकि मालदीव्स के पूरे बजट का लगभग 10% है। और तो और लेटेस्ट डेटा ये भी बताता है कि चीन मालदीव्स को जो एक्सपोर्ट करता है तो उसकी परसेंटेज उस इम्पोर्ट से ज़्यादा है जो कि चीन मालदीव से करता है। जैसे कि 2022 में चीन ने मालदीव्स को 451.29 मिलियन US डॉलर्स तक का एक्सपोर्ट किया, वहीं चीन ने मालदीव से केवल 60,000 डॉलर्स का ही इम्पोर्ट किया। हालांकि आप सबके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि चीन अगर मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो ये तो मालदीव्स के लिए फायदेमंद होगा ही, लेकिन कैच यहीं पर ही है। बल्कि ये देखा गया है कि चीन की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी मालदीव्स की जो प्रॉस्पेरिटी है तो उस पर इसका कोई भी योगदान देखने को नहीं मिला है। और वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक चीन की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद मालदीव की जो GDP है वो लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है। और मालदीव पर चीन का जो कर्जा है वो लगभग 1.1 US डॉलर से लेकर 1.4 बिलियन US डॉलर के आसपास है, जो कि मालदीव की लगभग 4.9 बिलियन US डॉलर की GDP के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा है। और एक क्लासिक पैटर्न इस बात को भी सजेस्ट करता है कि मालदीव्स में चीन का कॉलोनियलिज्म 2.0 चल रहा है। जैसे कि मालदीव्स चीन से अपने खुद के ही 21% से अधिक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, यानी कहने का मतलब ये कि मालदीव्स अपने ही प्रोडक्ट्स के लिए पैसे दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी मालदीव्स के GDP के नीचे जाने के कारण ये भी है कि मालदीव्स में जो चाइना के अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको चाइनीज कंपनियां ही परफॉर्म करती हैं, और वो जो चाइनीज कंपनियां हैं वो चाइनीज इंजीनियर्स और फॉरेन लेबर्स को काम पर रखती है। यानी कि चीन भले ही मालदीव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है लेकिन उससे मालदीव्स के लोगों को कोई रोजगार का फायदा नहीं मिल रहा है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो मालदीव्स की प्रॉस्पेरिटी में उसका कोई योगदान नहीं है, उल्टा चीन का कर्जा मालदीव्स पर और बढ़ते जा रहा है। बल्कि ये बात भी सामने आई है कि चीन ने मालदीव्स में ऐसी कई ऐसे रोड्स और ब्रिजेस भी बनाए हैं जो कि नेसेसरी थे ही नहीं। वहीं अगर बात करें कि मालदीव्स में भारत का इन्वेस्टमेंट किस तरह से, तो मालदीव्स में जो भारत का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें प्रॉफिट मेकिंग के बजाय कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी गई है। और आप ये डेटा देख सकते हैं जो कि आपको ये बताएगा कि नवंबर 2023 तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मालदीव्स में भारत ने चलाए हैं। और भारत के इन सारे प्रोजेक्ट में आप एक चीज पाएंगे कि इन सभी में मालदीव्स की सरकार और मालदीव्स की कम्युनिटीज को प्राथमिकता दी गई है, और मालदीव्स में इन्हें इंप्लीमेंट करने का कार्य भी मालदीव्स की ही लोकल काउंसिल्स और उनके इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है, ना कि चीन की तरह जो कि अपने ही इंजीनियर्स लाता है, अपने ही लेबर्स लाता है। बाकी एक बहुत ही फेमस कोट है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। और वो भारत है जिसने ये बात हमेशा साबित करी है, खास करके चाइनीज वायरस पैंडेमिक के समय। तो इस चाइनीज वायरस पैंडेमिक के समय चीन ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी चलाई थी, जिसमें चीन ने भारत की तुलना में 243.41% से अधिक वैक्सीन एक्सपोर्ट करी थी। लेकिन जब बात आई इन वैक्सीन को उन स्मॉल कंट्रीज, उन स्मॉल इकोनॉमीज को डोनेट करने की, तो इस मामले पर भारत का आंकड़ा ज्यादा है, और मालदीव्स के केस में तो ये काफी ज्यादा है। जैसे कि चीन ने जो मालदीव्स को कोविड की वैक्सीन डोनेट करी थी वो थी लगभग 2 लाख, जबकि भारत ने मालदीव्स को जो कोविड वैक्सीन डोनेट करी थी तो उसका आंकड़ा है 3,12,000। तो इससे बात साबित होती है कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही एक सच्चा दोस्त होता है। मालदीव्स में भारत और चीन में सबसे बड़ा फर्क यह है कि चीन जो कि मालदीव्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वहीं भारत वो है जो कि मालदीव्स को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि मालदीव्स पर चीन का कर्जा 1.1 से लेकर 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का है, और वो भी हाई इंटरेस्ट के साथ, जबकि भारत ने मालदीव्स के बजट का 1.5% उनको ग्रांट किया है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को एक साथ आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मालदीव्स की जो भी करंट गवर्नमेंट है तो उसका चीन की तरफ झुकाव जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से पर्सनल बायस पर आधारित है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसका असर मालदीव्स के लोगों की प्रॉस्पेरिटी, मालदीव्स की GDP इस पर हमें दिखता। बल्कि इस करंट गवर्नमेंट का चीन की तरफ झुकाव जरूर है, लेकिन उसका मालदीव्स के लोगों की प्रॉस्पेरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट, तो इन सभी मामलों में भारत का पलड़ा चीन की तुलना में हमेशा भारी रहा है। चीन जो कि मालदीव में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने पर काम कर रहा है, वहीं भारत मालदीव्स के ग्रोथ में उसे सपोर्ट कर रहा है। चीन मालदीव का भले ही सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, लेकिन बावजूद इसके मालदीव की GDP नीचे जा रही है। वहीं भारत का इन्वेस्टमेंट भले ही चीन की तुलना में मालदीव में कम होगा, लेकिन वो जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से मालदीव की सरकार, मालदीव के लोगों के हित में है, जो कि उनको ही फायदा देती है। और भारत ने वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग के बजाय कम्युनिटी को बिल्ड करने में अपनी प्राथमिकता रखी है। इसके अलावा चीन मालदीव का सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर होने के बावजूद उस इन्वेस्टमेंट का मालदीव के सिटीजन के वेलफेयर में कोई योगदान नहीं दिख रहा है, तो वो मालदीव के एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन के हाई रेट को भी दर्शाता है, क्योंकि अगर पैसा आ रहा है तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है। और चीन का एक बहुत ही क्लासिक सा पैटर्न मालदीव में देखने को मिला है कि चीन की जो स्टेट ओन कंपनीज हैं वो लोन्स के फॉर्म में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, और वो लोन बहुत ही हाई इंटरेस्ट के साथ होते हैं, और उनका पेमेंट पीरियड भी बहुत ही रिजिड सा होता है, और पेमेंट समय पर पूरी ना होने पर उस प्रोजेक्ट पर चीन का टेक ओवर होना एक शर्त है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मालदीव को भारत की वृद्धि और समृद्धि से अत्यधिक लाभ हो सकता है, और भारत जो कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तो उसके साथ अगर आप अपने संबंधों में तनाव डालते हैं तो हमेशा ही ये गलत सलाह रहेगी। और जिस तरह से प्रेसिडेंट मोइजो मालदीव को पूरी तरह से चीन के पक्ष में खींचने के प्रयास में लगे हुए हैं,
तो उनका ये प्रयास मालदीव के राष्ट्र हितों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और श्रीलंका इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि जो चीन है वो फाइनेंस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत हमेशा इस बात पर बिलीव करता है कि उनकी पार्टनरशिप दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रहे और जिसे वो सस्टेनेबल और इकोनॉमिकली वायबल मॉनेटरी असिस्टेंस के माध्यम से हासिल करता है। वहीं इसके विपरीत जो चीन है तो वो किसी भी देश के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्वायर करने के लिए लोन को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, जो कि चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और बाकी भारत और मालदीव्स के रिलेशंस आगे कैसे रहेंगे वो तो आगे ही देखा जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए तो मालदीव्स की जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसने मालदीव के करंट प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस के लिए सहमत दे दी है। बाकी हम उम्मीद यही करेंगे कि मालदीव के करंट प्रेसिडेंट मोइजो को थोड़ा सा सेंस जरूर आए कि जिस तरह से वो चीन की तरफ पूरी तरह से झुक रहे हैं, तो वो झुकाव उनके साथ साथ उनके देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। और खैर, बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कॉमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।